नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज और आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, पहली बात तो सॉल्यूशन देखा जाए तो एक एंड पर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर इसके रास्ते हो सकते हैं। और लीगल रास्ता मैं आपसे बात करूंगा, मैं कोई लीगल रास्ता नहीं करूंगा कि भाई आप कोई डेक्स वॉलेट में चले जाओ, उसमें अपना फंड रख लो, वो तो अनट्रेसेबल है, या फिर आप डेक्स वॉलेट के अंदर जाकर उसके अंदर ही ट्रेड कर लो, लाइक ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही, जैसे आपका बायनेंस इनबिल्ट है वहां पर आप फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, और वो अनट्रेसेबल है। मैं ये बात नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी दिन आपको पकड़ने के लिए इन सभी एप्लीकेशंस को, जैसे टिकटॉक को, पबजी को, जैसे बैन कर सकती है। तो ये क्या चीज़ है, ये पहले बैन करेंगी, क्योंकि लोग इसी का यूज करेंगे, इसको ही सबसे पहले बैन करेंगी, ठीक है, कर सकती है, ठीक है। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, काफी लोग कहेंगे आप तो शायद सीधा एडवाइस देने लग गए, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन ले तो वो तो यही कर देगा, ऐसा नहीं है। हमारे से भी बहुत सियाने बैठे हैं, जब उन्होंने ये सेट ऑफ का सिस्टम लगा दिया, ठीक है, सब कुछ का कर दिया, और एक साल के अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो उसी के अंदर ही मामला खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि क्या कर सकते हो आप। पहले तो आपको, अगर इंडियन एक्सचेंज आप यूज कर रहे हैं, ठीक, इंडियन एक्सचेंज में वॉल्यूम तो बचेगा नहीं, पहली बात तो सुन लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सचेंज अगर आप यूज कर रहे हो, लाइक कुकोइन, क्योंकि कुकोइन के अंदर भी आपको 1 BTC की डेली विड्रॉल है विदाउट KYC, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। विदाउट KYC आप एक डेली 1 BTC यानी कि 40 लाख तक कभी डेली विड्रॉल कर सकते हैं उसमें से, हो इतना माल तो। दूसरी बात, इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर टैक्स जब देना होगा तो वहां भी देना होगा, क्योंकि ये इंडियन एक्सचेंज के, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, बाइनेंस ने तो आप बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे से डाटा मांगेगी तो हम दे देंगे, हम तो उठा के फट से दे देंगे, क्योंकि हमें तो बिजनेस करना है, ठीक। बात भी सही है, वो भाई बिजनेसमैन है, वो क्यों रखेंगे आपका डाटा हमारे पास, वो आपसे क्यों सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो वर्ल्ड वाइड काम करे, गवर्नमेंट की पहले सुनेंगे आपकी सुनेंगे। उसके अलावा ठीक है, इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करिए, आप चाहे तो इंडियन एक्सचेंज करना कर लीजिए, कोई बात नहीं, इंडियन एक्सचेंज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज आप कर सकते हैं। कोइन वो चूज करिए जो आप थोड़ा सा होल्ड करने का पेशेंस रखते हो, और आप उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट साइड से ही निकले, ठीक है। इसलिए आपको टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 के आसपास ही कॉइन को चूज करें, जो लुल्लू पुंजू कॉइन है ना, लुल्लू पुंजू, जैसे आजकल साइतामा, इनू पिनू ढिनू, ये जितने भी है ना, इनू पिनू ढिनू, ये सब डूब जाएंगे, समझ लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि ये चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, वो वाला काम है इनका, जो बना दिए बना बना दिए, अब इनके चक्करों में ना पड़ो टॉप 20, क्योंकि अब इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन भी आ चुकी हैं, तो अब इन झमेलों में ना पड़ो, अच्छे कॉइन चूज करो, टॉप 20, टॉप 50, ठीक है, अच्छे, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, टेक्निकल सब चीज़ अच्छी हो, ठीक है, और साथ में हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करती रहती हो, अच्छे फंडामेंटल कॉइन को ही चूज करना है। और उसके अंदर आपको कम से कम कोशिश करें, किसी भी ट्रेड के अंदर आप अगर एंट्री ले रहे हो, क्योंकि आपको पता ट्रेड ओपन होगी तो 1% TDS भी जाएगा 1 जुलाई से, अभी तो फिलहाल नहीं है पर जाए तो होगा, तो आप उसके अंदर कम से कम भी 40-50% से लेकर 100% से नीचे प्रॉफिट लेकर ना निकलो, या ऊपर हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से देखो किसी भी कॉइन को, कम से कम साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से देखो। मैं कहता हूँ आज आपने बैंक में 1 लाख रुपये डाल दी, या 5 लाख रुपए के आपके पास अकाउंट में पड़े हैं, आपने 5 लाख की क्रिप्टो खरीद ली, नेक्स्ट ईयर आपको कुछ नहीं देना है, अगर आप उसे बेचते नहीं हो तो पड़े रहने दो, आपको लगा कि हाँ भाई मेरे 5 लाख रुपए मैंने लगाए थे, आज वो 25 लाख हो गए हैं 2 साल बाद, तब सेल कर दो यार, 25 लाख मतलब 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, 25 लाख निकाले, टोटल 20 लाख है ना, उस 20 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा ना, समझे। तो ये है एक, तो इसका सिंपल सीधा साधा साफ सुथरा विदाउट एनी टेंशन, ये इसका सॉल्यूशन है, क्या आपका 2 साल में कहाँ का कहाँ क्या मामला हो जाए। दूसरा, क्रिप्टो गिफ्ट उस पर टैक्स नहीं है। अगर ब्लड रिलेशन के अंदर आप किसी को अपना क्रिप्टो देते हैं, मान ले तो मैं अगर अपने बड़े भाई को अगर क्रिप्टो भी देता हूं एज ए गिफ्ट, तो फिर उनको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मैं अगर दे देता हूं तो मुझे भी टैक्स नहीं देना, वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ना कि आप, वैसे तो हर एक ट्रांसफर पर आपको टैक्स है, बट ये अगर अपने ब्लड रिलेशन वाले को अगर आप क्रिप्टो गिफ्ट करते हो तो ट्रांसफरेबल, वो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, उसको लगेगा जब वो सेल करेगा आपकी बाइंग किस हिसाब से थी, तो उसके हिसाब से उसको टैक्स लगेगा। मान लेते आपने 100 रुपये का खरीदा और आपने उसको सेंड कर दिया, उसने वो 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो जो 100 रुपये का डिफरेंस है उसका 30% के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है वो उसको पे करना पड़ेगा, 30% पे 4% सेस, ये वो फलाना ढिमकाना, वो उसको देना पड़ेगा। बट अगर वो इंडिया से बाहर हो तो इंडियन गवर्नमेंट का तो रूल चलेगा नहीं। मान लेते हैं मैं, मेरा बड़ा भाई या मेरी मदर या फिर सिस्टर या जो भी हो मेरे ब्लड रिलेशन में है, जो वो रहते हैं कनाडा, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, बाहर, आउट ऑफ इंडिया, जहां पे
ये रूल नहीं है इंडिया के, इंडिया वाले, क्योंकि तो आप अब वो जब बाहर है तो उसको तो वहां के रूल फॉलो करने होंगे ना, कि इंडिया के रूल फॉलो करेगा वो। तो इस कंडीशन में आपने अपना फंड यहां से लिया, ट्रांसफर कर दिया, एज ए गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट पे तो कोई रोक नहीं है। तो अब देखिए गिफ्ट की डेफिनेशन बाकी सीए कंप्लीट दे पाएंगे, मुझे जो लगता है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। तो आपने उनको शेयर कर दिया, मैं कह रहा हूं वजीरा चाचा उनसे शेयर कर दिया, भाई मेरा भाई का मैंने एज ए गिफ्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि आपका भाई है वो, ऐसे नहीं आपको उसका वॉलेट शो करना पड़ेगा हो, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट तो कुछ भी मांग सकता है, और जो अकाउंट उसने बनाया हो उसका वॉलेट एड्रेस आपको शो करना पड़ेगा प्रूफ के साथ, और किसका अकाउंट है, और वो जो अकाउंट जिसका है उसके साथ उसकी केवाईसी हो रखी है, वो केवाईसी से आपको भी मैच कर आपसे केवाईसी के लिए जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा आपका ब्रदर है, नहीं तो आपको आइडेंटिटी के हिसाब से आपको मैच करके देखेंगे। हाँ तो भाई आपने गिफ्ट दे दिया, कहानी खत्म भाई, विदेश में कहीं भी रह सकता बंदा, और वो जब विदेश में रहा तो उसके ऊपर टैक्स लायबल नहीं होगा इंडिया का। हाँ क्या पता ये कुछ ड्रामा ऐसा ना करते गवर्नमेंट आगे चल करके भाई कि भाई आप फॉरन भी नहीं भेज सकते क्रिप्टो करेंसी एज ए गिफ्ट, ये आगे चलकर कर सकते हैं, ये मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ ये कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हाथ में पूरी पकड़ रखना चाहेगी, आपको पूरी छूट नहीं देगी, आपकी तो ऐसी की तैसी रख देगी, आपको तो तेल निकालने के लिए बैठी है, ठीक है, आपको तो कोलू के अंदर डालकर बैल की तरह पीसेगी, ठीक है, तेल निकालेगी आपका, सीधी सी बात है, मूसल में डाल के ऐसे जो ठोकते हैं ना वो क्या करते हैं, वो ओखल में मूसल डालकर वैसा काम करेगी, तेल निकलवाने के लिए तैयार रहिए। ये मैंने एक सॉल्यूशन बताया आपको, टाइम जब जरूरत ना हो अननेसेसरी पैसा ना निकाले, मल्टीपल ट्रेड ना करें, बहुत ही रेयर ट्रेड करें, अच्छी ट्रेड करें, और टॉप 20 टॉप 50 के कॉइन के अंदर ही कोशिश करें एंट्री लेने की, और अच्छे फंडामेंटल कॉइन के अंदर ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद एज ए क्रिप्टो गिफ्ट आप देना चाहें दे सकते हैं किसी को भी, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो फिर वो इंडियन टैक्स के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है, अगर वो बाहर रहते हैं तो। ये बस सीधा सा फंडा है, या फिर इसके अलावा आप किसी आपके इंटरनेशनल कोई जानकार है तो उनकी केवाईसी से किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन करिए और आप यहाँ पर उसे यूज कर लीजिए, बस ये है अभी फिलहाल के लिए। मैं आपको डेक्स की बात नहीं करूंगा, मैं आपको जायज तरीके वाली मैंने आपसे बात की है, तो आप अगर आप ये करते हैं तो शायद तभी आप टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। वैसे हमें टैक्स देना चाहिए, अगर आप एक नागरिक हैं तो आपका फर्ज है टैक्स देने का। तो ये मेरे साथ कुछ व्यूज थे जो मैं आप लोगों के साथ लेकर आया इस वीडियो में। दोस्तों बस इतना ही, जानकारी अच्छी लगी हो ठोक दीजिए, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के साथ घंटा बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।